अब से महज दो दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि पाकिस्तान के अचानक बदले रवैये को लेकर संदेह भी जताए जा रहे थे कि इसके पीछे पाकिस्तान की कोई अलग मंशा या साजिश हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के एक बयान से पाकिस्तान की दूषित मानसिकता फिर एक बार सामने आ गई है। दरअसल महज दो दिनों में ही पाकिस्तान का दिमाग फिर गया है और उसने फिर एक बार कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। हिना रब्बानी खार ने भी शहबाज शरीफ के बयान से पलड़ा झाड़ लिया है। हिना रब्बानी खार ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सहयोगी के रूप में नहीं देखता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान एक सहयोगी के रूप में देखता था। ऐसे में आपको याद दिलाएं तो वो पीएम मोदी ही थे जिन्होंने साल 2015 में पाकिस्तान का सरप्राइज दौरा कर दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देने की कोशिश की। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर पीएम मोदी, सबने एक बार पाकिस्तान से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर बार भारत के प्रयासों पर पानी फेर दिया गया। पीएम मोदी के द्वारा 2015 में पाकिस्तान के साथ की गई अच्छे रिश्ते की शुरुआत के महज कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान के द्वारा उरी और पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए अपने एक बयान में खार ने कहा कि जब मैं विदेश मंत्री के रूप में भारत गई थी तो बेहतर सहयोग के लिए हमने कड़ी मेहनत की थी। वर्तमान स्थिति की तुलना में उस वक्त हम काफी बेहतर स्थिति में थे। खार ने कहा कि पाकिस्तान ने अतीत से सबक सीखे हैं और वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि भारत हमेशा एक ऐसा देश था जहां सभी धर्म सह अस्तित्व में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि भारत पर सवाल उठाने वाले हिना शायद पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम एक एक रोटी के लिए मर रही है, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और उसी के द्वारा पैदा किए आतंकवाद ने उसी के घर में आग लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की मंत्री कश्मीर का राग अलापते हुए नजर आई। पाकिस्तान अपनी आवाम को रोटी खिलाने में असमर्थ, पढ़े लिखे लोगों को भी आज वहां एक बेहतर जीवन नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी कश्मीर राग अलाप रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।